कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। आज हमारा जो स्टेटिस्टिक फॉर ऑल सीरीज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। परहैप्स यू नो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्टेटिस्टिक। और जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो है वो आपके साथ लाजिम मलजूम होता है। यू हैव टू लर्न दी टेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रोसेस। तो हमने इसको बड़े बेसिक से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह इस पर मजीद भी वीडियोज आएंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये एक्सप्लेन करेंगे कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस का प्रोसेस क्या है, और इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देंगे कि कैसे इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको रिसर्च परस्पेक्टिव से भी लिंक करेंगे कि रिसर्च में जब हम हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उससे हम कैसे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो छह स्टेप्स हैं इसके, आपने आपने याद रखने हैं। नंबर वन पे है सबसे पहले फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो जब हम फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस करते हैं तो आमतौर पे स्टैट्स के जो लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, या जिसको प्योरली स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो वो नॉर्मली हम ऐसे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। एच नॉट, म्यू, या जो कुछ भी आपका वेरिएबल है कि जिसको भी आपने चेक करना है, इट इज इक्वल टू जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसके इक्वल टू जीरो के बाज़ औक़ात अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन भी होता है और बाज़ औक़ात लेस देन भी होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। इधर मैं लिखता हूँ नल हाइपोथेसिस, ठीक है, और एच वन को बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसका ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड करते हैं, जिसको अल्फा कहते हैं। तो आमतौर पे अल्फा जो है वो 0.05 से डिनोट किया जाता है। 0.1 भी होता है, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे स्टैट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे तो उसमें 0.05 लिखा होता है, यानी 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक मीन्स कौन सा फार्मूला लगेगा जिसके जरिए हमने सवाल को हल करना है। ठीक है, तो सवाल हल करने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं। हमने स्टार्ट एक बड़े बेसिक से फार्मूले से लिया है, वो है जेड एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये जो है ये बाज़ औक़ात यहाँ पे चेंज भी होता है। जब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होंगी वैसे वैसे हम इस फार्मूले को चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्मूला है जेड वाला एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एन अंडर रूट, तो ये जैसे जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, इवन जेड के अंदर भी और बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसके अंदर, लेकिन भारत कहने का मकसद ये कि थर्ड स्टेप जो हमारा, हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किस फार्मूले से हमने सवाल को हल करना है। ठीक है, फोर्थ इज क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रिटिकल रीजन ये होता है कि ये आपने देखा होगा आज से स्टैट्स की बुक्स में ऐसे बना होता है। तो अगर टू टेल टेस्ट है, यानी अगर आपने म्यू को इज इक्वल टू या नॉट इज इक्वल टू लिखा, तो फिर हम इसको टू टेल्स कहेंगे, यानी दो दुमे, यानी एक टेल एंड दिस इज द सेकंड टेल, राइट। तो ये जो वैल्यू है अल्फा की, तो अल्फा हमारे पास 0.05 है, तो अल्फा चूंकि यहाँ पे होता है हमारे पास अल्फा बाय टू। ठीक है, तो दो साइड हैं तो हम उसको दो पे डिवाइड कर देते हैं। तो 0.05 को जब हम दो पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.025। ठीक है, तो अल्फा 0.025 की वैल्यू जेड के टेबल में आपके पास बुक्स हैं, आप उस पे एंड में जाएंगे तो बुक के एंड पे टेबल दिए होते हैं जेड के, तो उसमें आप देखेंगे 0.025 की जो वैल्यू है वो होती है 1.96। ये जो दो लाइनें इसके साथ लगी हुई हैं, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस 1.96 एंड प्लस 1.96, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये जीरो है, जीरो से इस तरफ ये प्लस है, ये माइनस, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्रिटिकल, इसको कहते हैं क्रिटिकल रीजन, सी आर, क्रिटिकल रीजन, ये वाला, यानी जो वैल्यू 1.96 से ज्यादा होगी वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगी, और जो वैल्यू 1.96 से कम होगी वो भी हम क्रिटिकल में डालेंगे। यानी अगर वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लाई कर गई तो हम इसको कहेंगे ये रिजेक्ट एच नॉट, या यहाँ लाई कर गई तो रिजेक्ट एच नॉट। ये जो दरमियान का एरिया है इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, क्या एक्सेप्टेंस, तो अगर वैल्यू हमारी लेट सपोज आ जाती है 1, तो हम यहाँ पे लाई कर देंगे, इसका मतलब हमारा एच नॉट एक्सेप्ट होगा। ठीक हो गया, अब अगर वैल्यू इधर आ गई तो ये क्रिटिकल, तो ये पांचवा जो हमारा, सॉरी फोर्थ स्टेज जो है ये क्रिटिकल रीजन डिसाइड करता है। तो आमतौर पर हमारे पास जो होती है वैल्यू वो अल्फा की 0.05 होती है, 0.05 को जब हम टू पे डिवाइड करते हैं तो 0.025 है। इसको टेबल में आप चेक करेंगे
तो ये आपको 1.96 दे देगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, जो हमारे पास वैल्यूज दी होंगी, एन दिया होगा, सिग्मा दिया हुआ होगा, म्यू की वैल्यू होगी, वो हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारे पास एक रिजल्ट निकल आएगा। वो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे कि वो यहाँ पे लाई करती है तो हम एक्सेप्ट कर देंगे, अगर क्रिटिकल रीजन में लाई करती है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इफ जेड कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, यानी अगर यहां पर आ गई तो क्या करेंगे हम, वी विल रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और एच वन को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इससे क्या हमारे पास आंसर आता है। ये फॉर एग्जांपल ये आपको गिवन है, ये एन 2.25, एक्स बार 83 है, म्यू 80 है और सिग्मा 7 है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, हम किसी न्यूमेरिकल डिटेल में नहीं जाते, उसमें थ्योरेटिकल में नहीं जाते। तो पहला स्टेप क्या था, एच नॉट, तो एच नॉट हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 80 वर्सेस एच वन है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 80। क्वेश्चन में ये है कि जी के ये जो हमने सैंपल लिया है क्या ये इस पॉपुलेशन से लिया है या नहीं, ठीक है। ये आपकी स्टैट की बुक से मैं सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको उसको फिर बुक में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा हमने ले लिया 0.05, ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जेड एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। हम फोर्थ पहले ले लेते हैं, साथ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि क्रिटिकल रीजन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो आप वैसे बाहर क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे वहां पे। तो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है, क्रिटिकल रीजन हमारे पास है जेड अल्फा 0.025, ये कितना है, 1.96 एब्सोल्यूट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ही चले जाते हैं। फाइव में कैलकुलेशन, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं, x बार कितना है 83, म्यू कितना है 80, ठीक है, सिग्मा है हमारे पास 7 और n है हमारे पास 25। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2.14। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 83 में से 80 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे 5 का 25 का रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 5 और 3 को करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है जी। अब सिक्स में हमारे पास क्या था, आप ये देखें, जो अभी हम इसको चेक करेंगे कैलकुलेशन को के कैसे होता है, ठीक है, इसको हम यू ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास 1.96, ये है हमारा 0, ये है जी प्लस 1.96, ये है माइनस, वैल्यू हमारी कितनी है 2.14। तो अब देखें 2.14 यहां आएगा समथिंग, ठीक है, 2.14, ये क्या है, क्रिटिकल रीजन। तो चूंकि ये क्रिटिकल रीजन में आ गई तो हम क्या कहेंगे, सिंस क्या, सिंस आप ये सिक्स पे जो हम वो लिखते हैं डिसीजन लिखते हैं कंक्लूजन लिखते हैं, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज 2.14 विच फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, हेंस वी रिजेक्ट एच नॉट एंड एच नॉट क्या था हमारा, म्यू इज इक्वल टू 80, ये हमारा एच नॉट था, ठीक है, एंड क्या करते हैं, एक्सेप्ट एच वन, एच वन क्या था, म्यू इज नॉट इक्वल टू 80। मतलब ये जो हमने सैंपल लिया है वो इस बात को प्रूव नहीं कर रहा कि ये हमने इस पॉपुलेशन से लिया है जिसका मीन 80 था, क्योंकि एच नॉट में था कि म्यू इज इक्वल टू 80, तो चूंकि वैल्यू हमारी क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गई लिहाजा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये हैं जी 6 स्टेप्स और इस स्टेप्स के जरिए आपने इस तरह से सवाल हल करना है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, नंबर 2 पे क्या करना है, आपने सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड करना है अल्फा कितना है, देन थर्ड नंबर पे क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है, वो टी का है, जेड का है, काई का है, जो भी फॉर्मूला है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का, वो फॉर्मूला आपने लिखना है। देन फोर्थ में क्या करना है, क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है,
क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फा की वैल्यू, और अगर टू टेल है तो इसको टू से डिवाइड कर देंगे, जेड टेस्ट है तो जेड के टेबल में देखेंगे, टी टेस्ट है तो टी के टेबल में देखेंगे, काई टेस्ट है तो काई के टेबल में चेक करेंगे, और वो आपके बुक के एंड में टेबल्स दिए होते हैं, एग्जाम में आपको नॉर्मली टेबल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फोर और फिर फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेशन करनी है, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो आप फॉर्मूला पे लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप ये देखना है कि रिजल्ट की वैल्यू कैसे कहाँ पे लाई करते हैं, तो जब आप इस तरह से करके बनाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि क्रिटिकल रीजन क्या है। तो आमतौर पे अगर लेट सपोज ये वैल्यू है और जेड टेबल है तो 1.96 और वैल्यू को आप कर लेंगे। फर्ज करें अगर ये इज इक्वल टू ना होता, ग्रेटर देन होता, सॉरी नॉट इज इक्वल टू ना होता बल्कि ग्रेटर देन होता, तो हम इसको कैसे बनाते, हम इसको ऐसे बनाते, देखिए ऐसे बनाते, ये जीरो और ये सिर्फ 1.96। स्टिल ये वैल्यू चूंकि 2.514 से, लेकिन फिर हमारे पास यहाँ पे 1.96 वैल्यू ना आती क्योंकि वन टेल टेस्ट था, तो हम फिर 0.05 को टेबल में देखते, उसकी जो भी वैल्यू आती है वो हम यहाँ पे लिखते, ठीक है। लेट सपोज वो वैल्यू आती, फॉर एग्जाम्पल वो वैल्यू आ जाती 3, अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे आपको बता रहा हूँ, तो चूंकि 2.514 यहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जीरो है, ये 2.14 हो गया, तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाते। तो जब वन टेल टेस्ट होता है अगर ग्रेटर देन हो तो ये वाली टेल लगाएंगे, अगर लेस देन हो तो ये वाली टेल हम लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड फाइनली इफ द वैल्यू फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन वी एक्सेप्ट एच नॉट, इफ द वैल्यू फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन वी रिजेक्ट एच नॉट। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप इसको वीडियो को आराम से दोबारा भी देख लें, और ताकि आपको जो चीज़ कन्फ्यूज हो रही है, कन्फ्यूजन कर रही है, तो आप उसको अपने पास नोट्स में वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एट दिस वीडियो सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कॉमेंट में कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, नेट पर मिल जाएगा, वीडियो पर भी नज़र आता है एंड पे, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, सी यू।